नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जिस तरीके से जदयू के जो छात्र संघ था परचम ला रहा है, उसको लेकर अब जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और शुभकामना के साथ साथ वो केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमला करते भी दिख रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हम जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं सबों को बधाई हमने पहले ही सुबह दे दिया है और पुनः आपके माध्यम से हम सबों को बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ इस चुनाव में जो छात्र जनता दल के जो भी साथी और कार्यकर्ता लगे हुए थे उन सबको भी बधाई देते हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है। और पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव में जो जीत है वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज छात्रों और नौजवानों के बीच पॉपुलर हैं। यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान में सरकार की छवि बढ़ी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी उम्मीदवार लगभग एक को छोड़कर सभी पराजित हो गए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के का जो वादा किया था वो कहीं से पूरा नहीं हुआ, जुमला हो गया। और आज की तारीख में भी कोई रोजगार सृजन की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार घट रहे हैं और सरकार, केंद्र की सरकार रोजगार सृजन पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए उनके बनिस्पत बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो प्रतिदिन लगभग नियुक्ति पत्र बांट रही है। और ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार रोजगार के प्रति, नौजवानों के प्रति सचेत है। और यही परिणाम, यही कारण है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में हमारे उम्मीदवारों को विजय प्राप्त होगा। महागठबंधन वहाँ भारी बहुत से चुनाव जीते, AIMM जो खड़ी हुई है वहाँ पर प्रत्याशी खड़ी की है, ठीक है, पार्टी है, सभी पार्टियों को खड़ा होने का हक है चुनाव में। लेकिन कुढ़नी की जनता जानती है कि कौन किसका बी टीम है। तो अभी आपने देखा जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो जिस तरीके से, आपको बता दें कि कल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू ने परचम लहराया, उसको लेकर वो बधाई भी दी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ABBP की हार हुई है इससे साफ पता चलता है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था रोजगार नहीं दिया, इसलिए अब जो युवाओं की रुझान और युवाओं की जो अब पसंद है वो पूरी तरीके से अब नीतीश कुमार हो गए। और वहीं आपको बता दें कि वो कुढ़नी उपचुनाव को लेकर भी साफ साफ कहे कि भारी मतों से कुढ़नी उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।